Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Our today's lecture is about subject science class 6 chapter number 10 properties of light. Aaj hum padhenge types of reflecting surfaces. Some surfaces reflect more light than others. Kuch surfaces aisi hoti hain jo dusri surfaces ki nisbat zyada light jo reflect kar leti hain. Reflecting surface may be smooth or rough. Smooth hota hai hamwar yani ki mulayam satah aur rough hota hai khurdri. जो कुछ सर्फिसज स्मूथ होती हैं और रफ़ होती हैं उनका जो रिफ्लेक्टिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है. स्मूथ सर्फिस के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं रेस जो है वो स्मूथ सर्फिस के ऊपर जाके टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती हैं. अ प्लेन सर्फिस इज कॉल्ड अ स्मूथ सर्फिस. कोई भी प्लेन जो सर्फिस होती है वो आपकी स्मूथ सर्फिस यानी कि हमवार सतह कहलाती है. वैन पैरेलल लाइट रेज हिट अ स्मूथ शाइनी सर्फिस. जब पैरेलल लाइट रेज जो है यानी कि सीधी आने वाली जो रेज है वो किसी भी स्मूथ सर्फिस हमवार सतह के ऊपर जाकर टकराती हैं चमकदार सतह पर. ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल. और वो तमाम की तमाम एक ही एंगल से बाहर निकलेंगी. जैसे कि आप फिगर में रेड कलर की रेज जो दिखाई दे रही हैं वो इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसे लाइट की रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सेकेंड है आपके पास रफ सर्फिस. रफ सर्फिस ऐसी सर्फिस को कहते हैं जो खुरदरी होती है. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि वो प्लेन नहीं है. एन इवन सर्फिस इज कॉल्ड रफ सर्फिस. जो भी सतह हमवार ना वो आपकी रफ सर्फिस कहलाती है. व्हेन पैरेलल लाइट रेज. जब भी पैरेलल लाइट रेज जो है वो पड़ेंगी हिट्स या टकराएंगी और रफ सर्फिस किसी भी ना हमवार सतह के साथ. ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स. तो अब ये एक एंगल एक सेम डायरेक्शन में निकलने के बजाय डिफरेंट साइड्स में ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी डिफरेंट एंगल्स पर. इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इसे ऑफ लाइट. इसे लाइट की डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं. If you ask any question about this lecture, you can join our WhatsApp group. Subscribe the channel, press the bell icon, share, like and comment the video. Thank you.